आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है मनोज तिवारी का जो रोड शो है, लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ पर। इस बार यहाँ के लोग किसको चुनेंगे? तो यहाँ पर कपिल मिश्रा जी भी हैं। कैसा माहौल है सर? शानदार माहौल है। और उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी जी की जो जीत है, दो बार वो जीत चुके हैं लेकिन ये अब तक की सबसे बड़ी जीत इस बार वो यहाँ से रिकॉर्ड करेंगे। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ, लोगों से जान लेते हैं कि क्या लग रहा है, क्या माहौल है सर? माहौल का क्या कहा जा सकता है, आपको तो पता ही है। यहाँ जो यहाँ से कन्हैया कुमार जी ही जीतेंगे। कन्हैया कुमार जी? बिल्कुल, कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे इनका जो जैसे इनका भीड़ देखने के लिए ही एकमात्र भीड़ है बस। यहाँ से कौन जीत रहे हैं? वोट तो है नहीं, वोट बिल्कुल भी नहीं है। अरे आपने तो बीजेपी का पट्टा डाला हुआ है। पट्टा डालने से कुछ नहीं होता सब, इनकी जुमलीबाजी हर कोई को पता है, ठीक है ना। तो ये जुमलेबाजी में हम भी शामिल हैं, क्या करें अब। जहाँ जहाँ भीड़ जा रही है उसके साथ चले जा रहे हैं। लेकिन किसको वोट करेंगे? नो डाउट कन्हैया। कन्हैया को वोट करेंगे? क्यों कन्हैया? देखिए, आने वाले समय में वो एक अच्छे नेता साबित होके पूरे देश को दिखाने वाले हैं। उनका जो विचारधारा है, जिस विचारधारा के साथ वो आते हैं, मैं उस विचारधारा को मैं अपने दिल से उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस विचारधारा के साथ वो खड़े हुए हैं और आज तक लड़ रहे हैं, मैं उसका ऋणी हूँ। लेकिन सवाल ये है, ये रोड शो तो मनोज तिवारी का है। नहीं, रोड शो अरे बस दिखाने के लिए है, बस दिखावा है, बस दिखावा है। आप दिखावा क्यों आए यहाँ पर? ये भीड़, बेरोजगारी, बेरोजगारी कुछ भी करवा सकता है साहब। पैसे लेके मतलब ये सीधा कह रहे हैं पैसे? अब आप कुछ भी कह सकते हैं इसे, नहीं इसके इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं आप यहाँ आए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप आए ना यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। आप कैसे आए? आपको पता है, सारा चीज पता है। इनका 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 जो प्लांटिंग का जो नियम है कि कैसे लोगों को भीड़ जुटाना है, लोगों को एकत्रित करना है, ये आपको पैटिया वाले को पता है। आपको पैसा मिलता है? हर कोई को पैसा मिलता है भाई, आने कितना मिलता है? अब ये कहने वाली बात थोड़ी ना है। अरे भाई, जेब में रखने के लिए मिला है तो बताने के लिए थोड़ी ना मिला है। बोलिए ना। अरे नहीं, ये बताने वाली चीज़ थोड़ी ना है।